सरंडा जंगल जो है उसमें देश का 25% आयरन ओर है और सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द उस आयरन ओर को निकाल लिया जाए और इसके लिए 19 नई माइनिंग कंपनियों के साथ उन्होंने वो नया माइन सेंक्शन किया है और उसके लिए स्टेट कैसे लोगों को फोर्स कर रहा है वहाँ से हटने के लिए। वहाँ पे 17 CRPF कैंप बनाए गए हैं। CRPF जो है कि लगातार आदिवासियों को नक्सली बल के वहाँ अत्याचार कर रही है। 33 लोगों को जेल में डाला गया, 2 लोगों की हत्या की गई, कई महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और वहाँ का अनाज वगैरह था उसको बर्बाद किया गया, उसके साथ साथ फसल बर्बाद किया गया और जितने भी लोगों के पास कागजात थे सरकारी कागजात सब कुछ नष्ट कर दिया गया। तो ये एक तरह से जान बुझ के कि ताकि लोग गांव छोड़ देंगे और वो लोग छोड़ भी रहे थे विकास के नाम से, कहीं पे माइनिंग को लेकर, कहीं पे जाए कि शिक्षा संस्थान बैठाने के नाम पर जैसे नगरी का सवाल है, कहीं पे जाए कि पावर प्लांट लगाने के नाम पर, मतलब कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि विकास के नाम पर स्टेट जो है कि किसी भी तरह से आदिवासियों से उनका संसाधन छीन लेना चाहती है। जहाँ विकास शब्द आ जाता है तो लोग उस पर सवाल नहीं खड़ा करते हैं, तब है कि स्टेट जो है स्टेट अपने तरह के तरीके से पूरी तरह से आम जनता को सप्रेस करता है। उसमें अब हत्या करना, बलात्कार करना, फर्जी केस डालना, लोगों को जेल में डालना, ये सब चीज़ें आम बात हो जाती है। जो आंदोलन जनतांत्रिक तरीके से चल रहे थे, इन सभी आंदोलनों को नक्सल आंदोलन बोल के उनके नेताओं के ऊपर लगातार जो है कि पुलिस रिप्रेशन, स्टेट रिप्रेशन है, उनको जेल में डाला जा रहा है। मानवाधिकार क्या है? जीवन जी आत्म सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार और उसमें समानता और जो है कि हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, यही कोर ह्यूमन राइट्स इश्यूज है। तो जब आपका आत्म सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है, आपसे स्टेट संसाधन छीन ले रही है, तब जियेंगे कैसे?